क्रॉसिंग ने फिर ली लग 13 मासूम बच्चों की जान। पैसेंजर ट्रेन से टकराई स्कूली वैन। सीएम ने किया घटना स्थल और मेडिकल कॉलेज का दौरा। 2-2 लाख रुपया मुआवजे का किया ऐलान। वैन ड्राइवर की लापरवाही ने बुझाया कई घरों का चिराग। कुशीनगर हादसे में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा, मृत बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की रेल मंत्री ने मानवीय सहायता राशि देने का किया ऐलान। IGRS पोर्टल पर लंबित और डिफॉल्टर संदर्भों के निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने जनपद के 38 अधिकारियों का अप्रैल माह के वेतन पर लगाई रोक। सपा जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल, किया घटना के निष्पक्ष जांच की मांग। भारत में मेट्रो के शिल्पी मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने की गोरखपुर न्यूज से की खास बातचीत, कहा मेट्रो दौड़ने के लिए शहर में है अनुकूल परिस्थितियां। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने मारवाड़ में आधुनिक कंप्यूटर लैब का किया उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। 30 अप्रैल को ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का होगा महानगर आगमन, जाएंगे कुशीनगर। और UPCA के सिलेक्टर्स और स्कॉरर्स की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहा है अंडर 19 क्रिकेट सिलेक्शन मैच।